कुछ ही देर में इस उंगली में समर्थ की पहनाई हुई अंगूठी होगी। मम्मा, ये क्या? इसलिए तेरे हाथों को आखिरी बार चूम लूं। जब समर्थ तुझे अंगूठी पहना देगा तब तो मेरी बेटी कम और उसकी ज्यादा हो जाएगी ना, लेकिन ना तब भी मुझसे ज्यादा खुश इस दुनिया की कोई मां नहीं होगी। मम्मा, वैसे आपको क्या लगता है कैसी अंगूठी पहनेगा समर्थ मुझे? पगली, दुनिया की सबसे अनोखी अंगूठी होगी। अब मेरी राजकुमारी के लिए उससे कम थोड़े ना कुछ चलेगा। देखना बेटा, आज वहां समर्थ ने तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर तैयारियां की होगी। समर्थ ने ज्यादा शोशा ना किया हो तो अच्छा है। आई होप एवरीथिंग इज फाइन विद यू सर। ये अरेंजमेंट्स वगैरह सब ठीक है ना सर? ऐसा कीजिए कि पूरा रेस्टोरेंट बुक कर दीजिए। पूरा रेस्टोरेंट? बट सर डोंट वरी, जो भी खर्चा होगा आई विल टेक केयर ऑफ। आज की शाम हमारी होगी ईशा, और कोई नहीं होगा, कोई नहीं। और आप ऐसा कीजिए, इस टेबल पे थोड़े रोज पेटल्स होने चाहिए। हाँ समर्थ। ईशा, तुम आ रही हो ना? हाँ। ईशा, एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम व्हाइट ड्रेस पहन के आ सकती हो? व्हाइट है क्यों? क्योंकि व्हाइट मेरा फेवरेट कलर है, इसलिए मुझे चांदनी रातें बहुत पसंद है, जैसे कि आज रात। लेकिन एक बात है, तुम व्हाइट में इतनी खूबसूरत लगोगी कि चांद भी तुम्हें देख के शर्मा जाएगा। बाय ईशा। माँ, कैसी लग रही हूँ मैं? वेरी ब्यूटीफुल। मामा, ये व्हाइट ड्रेस मैंने इसलिए पहना है क्योंकि व्हाइट कलर समर्थ का फेवरेट है ना। हमारे बॉस सैम, उनकी लाइफ में कोई लड़की है एंड इनफैक्ट बात इतनी आगे तक पहुंच गई है कि वो आज उसको प्रपोज करने वाले हैं। वाओ, कितनी लकी है ना वो लड़की जो बॉस को उससे प्यार हो गया। फाक लकी है, आजकल की कुछ लड़कियां ना होती ऐसी है। और वैसे भी समर्थ जैसे अमीर खानदान के लड़के को पटाना, उसे शादी करना एंड देन पूरी लाइफ ऐश करना, ये सब तो ना इनका सोचा समझा प्लान होता है। ये लड़की भी कुछ ऐसी चालू टाइप्स होगी। नहीं, वैसे नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये शराब की जिंदगी। सर, इतना अच्छा अरेंजमेंट शायद ही किसी ने किसी लड़की के लिए किया होगा। आई एम श्योर जब वो ये सब देखेगी ना, देखती रह जाएगी। और हाँ सर, मैंने आपके लिए सबसे महंगी शैंपेन मंगवाई है। थैंक्स। थैंक यू सर। नहीं, ये सब कुछ बहुत ज्यादा। ईशा को ये पसंद नहीं है। बेटा ये देखो, ये हमने तब खरीदा था जब समर्थ के साथ तुम्हारे रिश्ते की बात करने जा रहे थे। ये लो, जब समर तुम्हें अंगूठी पहनाएगा ना तुम उसे ये पहना देना। अरे अब यहाँ खड़े खड़े मुस्कुरा क्यों रही हो, जल्दी जाओ, वैसे भी तैयार होने में तुमने इतना वक्त जाया कर दिया। थैंक यू मामा, बाय। मैडम, हाँ ये बेबी आपके लिए भी देखेगी। हाँ थैंक्स। ₹50 लाख का चेक। हेलो, हाँ जो मैंने टोकन भिजवाया मिल गया। ₹50 लाख का टोकन है। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अपनी ही फैमिली तुम्हारे खिलाफ बड़ी मुश्किल से तुम्हारी बात मानेंगे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी मुश्किल से उठनी आसान है। इतना काफी है। देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। कर लो, लेकिन सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास, याद है ना। बस एक बार तुम्हारे फैमिली बिजनेस में शामिल हो जाऊँ, असली रकम तो तब आएगी मिसेस रेवती ओझा। कहाँ खो गई तुम? नहीं, मैं खोई हुई नहीं। इनफैक्ट आज बहुत दिनों के बाद मुझे रास्ता मिला है। कैसा रास्ता? अपने बिजनेस को बचाने का। मेरी बात तो सुनो गिरीश, देखो मैं एक आदमी को जानती हूँ, रियली इंटरेस्टेड अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। देखो उसने ₹50 लाख का टोकन अमाउंट भी भेजा है। देखो पूरे ₹50 लाख का चेक है। देखो गिरीश, अब अगर हम चाहें ना तो अपने बिजनेस डेवलपमेंट प्लान को फिर से शुरू कर सकते हैं। तो मुझे बताओ तुम कब फ्री हो, मैं मीटिंग सेटअप कर देती हूँ उसके साथ। कोई जरूरत नहीं, ना मीटिंग की ना इन्वेस्टमेंट की। क्या कर, ये क्या किया तुमने? ₹50 लाख का चेक। बिजनेस संभालने के लिए समर्थ अकेला काफी है। पैसे कमाते कमाते हम बहुत कुछ गवा चुके हैं। अब अगर कुछ कमाना है तो अपने बच्चों का प्यार। सॉरी मैम, आज रेस्टोरेंट बंद है, प्राइवेट बुकिंग है। प्राइवेट बुकिंग किसकी? मिस्टर समर्थ ओझा। हाँ तो उनसे ही मिलने आई हूँ। सॉरी, मैं आपको पहचानता नहीं था। आइए ना, अंदर आइए ना प्लीज। समर्थ कहाँ है? सर अभी तो यही थे। आप प्लीज अंदर बैठिए ना, मैं उन्हें लेकर आता हूँ प्लीज। मेरी दुनिया बिल्कुल सादगी से भरी है, तुम्हारी इस दुनिया से बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी दुनिया के लिए नहीं बनी। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। ईशा तुम आ गई? मैं तुमसे कुछ इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती। समर्थ, मुझे पता है कि हमारा रिश्ता बहुत गहरा है, बहुत सालों से दोस्त है, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत मायने रखते हैं। पहले भी जब मैं मुसीबत में होती थी तो सबसे पहले तुम मेरी मदद पे आती थी, और कोई होना तुम हमेशा मेरे साथ होते थे। समझ, तुम मुझे बहुत अच्छे से समझती। बिना बताए जान जाते हो कि मैं खुश हूँ या दुखी। लेकिन अब हम कभी एक नहीं हो सकते। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ समर्थ। समर्थ, मैं सीधी सादी लड़की हूँ। मेरी दुनिया बिल्कुल सादगी से भरी है। तुम्हारी इस दुनिया से बिल्कुल अलग। मैं तुम्हारी दुनिया के लिए नहीं बनी। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे तुमने जो कहना था कह दिया। अब मेरी बात सुनो। तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं तुम्हें नहीं लाया ईशा, तुम मुझे इस नई दुनिया में लाई हो। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में नहीं ले जाना चाहता, बल्कि तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तुम जा रहोगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और हमारी दुनिया भी वही होगी। हम साथ साथ होंगे। क्या कहा था तुमने ईशा? कि मैं तुम्हें सबसे अच्छी तरह समझता हूं। फिर तुम्हें क्या लगा कि मैं समझ नहीं पाऊंगा कि तुम्हें चमक धमक और दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं आएगा? सच कहो तो मुझे भी ये सब पसंद है। मेरी पसंद तुम हो ईशा। मैं तुम्हारी पसंद को अपनी पसंद बनाना चाहता हूं। सादगी से भरी यही है ना तुम्हारी दुनिया ईशा? मुझे सादगी से प्यार हो गया। मुझे तुमसे प्यार हो गया ईशा, तुमसे। प्यार करता है ना समर्थ मुझसे, इतना अच्छा डेकोरेशन। तुम तो प्यार को बहुत अच्छे से समझती हो। प्यार दो दिलों के बीच में होता है ईशा, दो लोगों की हैसियतों के बीच नहीं। मैं मानता हूं ईशा, मैं पहले प्यार में विश्वास नहीं करता, लेकिन जब से तुमसे मिला, फिर से तुम्हें जानने लगा, मुझ में बहुत बदलाव आ गया। तुम्हें देखते मेरी दिल की धड़कनें बढ़ जाती, तुम जब चली जाती तो मैं बेचैन हो जाता हूँ ईशा। मेरी दुनिया वो नहीं जहां मैं रहता हूँ ईशा। मेरा बैंक बैलेंस, मेरी कास्ट, ये मेरी पहचान नहीं है ईशा। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी खुशी, यही मेरी दुनिया है और मैं तुम्हारे प्यार को अपनी पहचान बनाना चाहता हूं ईशा। तुमने जो सपनों में देखा ईशा, वो मैं हकीकत में बनना चाहता हूं। तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे साथ साथ चलना चाहता हूं। अगर तुम्हारा जूता टूट जाए तो अपनी बाहों में उठाना चाहता ईशा। अगर तुमने बुरे कपड़े भी पहने तब भी मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं। मैं ऐसा बनना चाहता हूं ईशा जो तुम्हें ऐसी जगह ले जाए जहां एक छोटा सा टेबल, जहां हम दोनों आसपास बैठकर बात कर सके। मैं वो भी बनना चाहता हूं ईशा जो तुम्हें गुलदस्ता ना देकर एक गुलाब, क्योंकि तुम कहती हो ना, छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी खुशियां छुपी होती। मैं वो नहीं बनना चाहता ईशा जो तुम्हें एक महंगी हीरे की अंगूठी दे, बल्कि मैं तुम्हें एक मामूली सी अंगूठी देना चाहता, क्योंकि तुम्हारे लिए किसी भी हीरे से ज्यादा मेरे प्यार की कीमत है। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में नहीं ले जाने आया ईशा, बल्कि मैं तुम्हारी दुनिया में आना चाहता हूं। मैं हर उस चीज से प्यार करता हूं जो तुम्हें अच्छी लगे, बिकॉज आई लव यू ईशा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी ईशा? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तुम्हारी आंखों को खुशी, तुम्हारे होंठों को हंसी और तुम्हारी उंगली की ये मामूली सी अंगूठी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी ईशा?